हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर पूर्णिया। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 4.3 का, और आज जो भी टाइम लगे हम लोग आज 4.3 को ख़त्म करने वाले हैं। तो आप लोग को भी बने रहना है हमारे साथ, और सब हम और आप मिलकर के, दोनों मिलकर के आज 4.3 को ख़त्म करते हैं। आइए बात नहीं करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो का बात किया जाए तो हम लोग 7 नंबर तक कर चुके हैं, और 8वां नंबर से हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। और आइए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 8वां नंबर बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। उसके बाद यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय लेता, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है, तो सबसे पहले मेरा काम होगा कि रेलगाड़ी का जो पूछ रहा है उसको हम लोग मान लेंगे। तो यहाँ पे मानेंगे हम लोग, 8वां नंबर क्वेश्चन है मेरा, लिखेंगे माना कि रेल गाड़ी की समान चाल बराबर एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को पूछा गया था कि रेलगाड़ी की चाल बताइए, तो हम लोग मान चुके हैं कि रेलगाड़ी की समान चाल एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पे देखिए कि दूरी कितना तय करती है, दूरी जो है कि तय करती है 360 किलोमीटर, ठीक है। ये जो है कि एक्स किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। उसके बाद आइए हम लोग लिखेंगे कि प्रश्न से, ठीक है, क्या लिखेंगे प्रश्न से। आप जब भी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन बनाए तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप लिखेंगे कि माना कि रेलगाड़ी की समान चाल एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, या कोई भी अगर दूसरे सवाल हो तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे, ठीक है। मानने के बाद लिखेंगे कि प्रश्न से। प्रश्न से लिखने के बाद क्या होता है कि जब भी एग्जामिनर चेक करना स्टार्ट करता है तो उसको लगता है कि ये माना है, उसके बाद ये प्रश्न के अनुसार किया गया है। मतलब कि प्रश्न से लिखने का अर्थ है कि हम प्रश्न को पढ़ करके, ठीक है, प्रश्न को पढ़ करके जो प्रश्न में बोला गया था उसके अनुसार हम लोग कार्य किए हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज और बोला गया है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक होती तो इसका चाल जो है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाता है। यहाँ पे देखिए, ये जो माने कि रेलगाड़ी की समान चाल एक्स किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी दूरी कितना है 360 किलोमीटर है, तो इसका समय कितना लग जाएगा इतना तय करने में, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से तय करने में, 360 किलोमीटर तय करने में कितना समय कितना लग जाएगा। तो लिखेंगे कि समय बराबर, देखिए समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितना है 360 है, ठीक है, और चाल कितना से तय कर रहा है तो एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। तो सिर्फ एक्स लिख दीजिए, उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा घंटा, किलोमीटर किलोमीटर अगर कट जाएगा तो उसके बाद क्या बचेगा, घंटा बचेगा। तो ये आपका एक समय निकल के आ चुका है, जब एक्स किलोमीटर की चाल से चलता है 360 किलोमीटर दूरी तय करने में उसको 360 बटे एक्स घंटा लगता है। तो पुनः लिखेंगे, पुनः जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, इतना बढ़ा दिया जाता है, बढ़ा देने पर रेलगाड़ी की चाल, रेल गाड़ी की चाल क्या हो जाएगी। अभी देखिए कि x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है, मान लीजिए अभी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है रेलगाड़ी, ठीक है, उसमें हम लोग 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर देंगे, बढ़ा देंगे उसका चाल, तो क्या हो जाएगा, क्या करेंगे, 20 में 5 जोड़ेंगे, मतलब कि हम लोग x में 5 जोड़ देंगे, क्या करेंगे, x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा, उसका रफ्तार क्या हो जाएगा, x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी कितना है, वही दूरी है, ठीक है, सिर्फ चाल में परिवर्तन किया गया है, दूरी फिक्स है कि 360 किलोमीटर ही है। तो लिखेंगे इसमें
देखिए, जब एक्स किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था, 360 दूरी तय करने में 360 बटे एक्स घंटा लगा है। जब इसका चाल बढ़ा दिया जाता है, वही दूरी को कितने समय में ये रेलगाड़ी तय करेगी, आइए हम उसका समय निकालते हैं। तो लिखेंगे समय बराबर क्या हो जाएगा, 360 दूरी बटे चाल। तो चाल हम लोग का नया निकल के आया है एक्स प्लस फाइव, ठीक है। उसके बाद देखिए कि क्या बोल रहा है, एक बार फिर से हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो बोल रहा है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, ठीक है, तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेता। मतलब कि जब 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है तो 1 घंटा अधिक लगता है। जब उसी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाती है, ठीक है, तो समय कितना लगता है, 1 घंटा कम लगता है। कितना लगता है, 1 घंटा कम लगता है। तो यहाँ पे देखिए कि गौर से आप जब भी ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे कि क्वेश्चन को पढ़ करके समीकरण तैयार करना मेन होता है। अगर आप समीकरण तैयार कर लेते हैं तो बहुत अच्छी वाली बात है। आइए हम लोग गौर से बोलेंगे, देखेंगे। बोल रहा है कि एक इतना चल रहा था, जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाता है तो 1 घंटा कम लगता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 360 बटे एक्स माइनस वन, 1 घंटा इससे कम लगता था किसको, इतना में बढ़ाने पे। तो 360 बटा एक्स प्लस फाइव, यही हो गया आपका समीकरण। आइए हम लोग ये कर लेते हैं, इसको 360 बाय एक्स, इसको इधर लेके चले आइए, माइनस 360 बाय एक्स प्लस फाइव इक्वल में माइनस वन को उधर भेज दीजिए, प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव, ठीक है, एक्स प्लस फाइव से यहाँ गुना हो जाएगा। तो 360 इंटू एक्स प्लस फाइव माइनस 360 इंटू एक्स इक्वल में क्या है, वन। तो आइए आगे बढ़ते हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग गुना करेंगे 360 एक्स, यहाँ पे 500 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 1800, ठीक है, क्या हो जाएगा 1800। उसके बाद माइनस 360 इंटू एक्स बाय इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 5x, ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखेंगे, यहाँ पे देखिए कि ये प्लस 360 माइनस 360 कैंसिल हो रहा है। उसके बाद इसको उधर लेके चली जाइए तो ऊपर उधर क्या है, एक्स स्क्वायर है, प्लस 5x माइनस, इस माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्लस था ना, यहाँ पे प्लस था तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, 1800 इक्वल 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका आप तोड़ दीजिए, इसको गुणनखंडन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जब इसको इससे गुना कीजिएगा तो 1800 होगा। जब 18 को तोड़िएगा तो इसको आप इस रूप में तोड़ सकते हैं, 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल में 0। जब इन दोनों को गुना कीजिएगा तो 1800 पूरेगा, जब इसको घटाइएगा तो प्लस 5x पूरता है। आप करके देख सकते हैं बाद में, ठीक है। अगर खंडन करने लगे हम लोग डिटेल में जाएंगे तो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम इसको शॉर्ट बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप x कॉमन कर लीजिए आप, तो x प्लस 45, उसके बाद यहाँ से माइनस 14 कॉमन कीजिएगा 40, तो उसके बाद क्या बचेगा, x माइनस 45 इक्वल में 0। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि x प्लस 45, x प्लस 45 यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 45 आप कॉमन कर लीजिए तो बचेगा क्या, x माइनस 40 इक्वल में 0, ये इधर घेर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे लेके चलिए x प्लस 45 बराबर 0 और x माइनस 40 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए कि x का मान माइनस 45 निकल रहा है, ठीक है, और x का मान इधर, x का मान 40 निकल रहा है प्लस में, ठीक है। आप एक चीज गौर करेंगे कि क्षेत्रफल, दूरी, समय, ठीक है,
ये सब जो है कि आपको निगेटिव कभी नहीं आ सकता है। अगर निगेटिव आ रहा है तो उसको पॉजिटिव में लेके लिख सकते हैं, या नहीं तो अगर दो एक पॉजिटिव एक निगेटिव आ रहा है तो आप पॉजिटिव वाले को लेके चलेंगे और निगेटिव वाले को छोड़ देंगे। तो यहाँ पे अगर पूछे कोई कि माइनस में ये एक्स बराबर माइनस 45 क्यों नहीं ले सकते, तो हम लोग लिखेंगे कि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, चाल निकाल रहे हैं, एक्स का मान क्या है, चाल है। तो लिखेंगे कि चाल जो है कि कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, इसीलिए हम लोग माइनस 45 को नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा कि गलत है, ठीक है। उसके बाद ये हम लोग लेके चलेंगे, यहाँ पे देखिए कि एक्स का मान क्या निकल के आया है, 40। अब यहाँ पे आइए, बोल रहा है कि माना कि रेलगाड़ी की समान चाल एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक्स का मान क्या निकल के आया है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे क्या हो गया कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जब चल रहा था तो उसको एक घंटा कम लगता था, और उसी में 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाता था यहाँ पे, तो उसको कितना लगता था, 40 प्लस 5 बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो जब 45 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलता था तो उसको एक घंटा अधिक लगता था, और जब 45 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलता था तो उसको एक घंटा कम लगता था। तो ठीक है, यहाँ तक हम लोग का क्लियर हो चुका है। चूंकि ये लैंग्वेज वाला सवाल है तो थोड़ा लंबा हो सकता है, ठीक है, आप लोग को घबराना नहीं है। इसके बाद हम लोग जस्ट तुरंत दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भी है और पढ़ सकते हैं आप। यहाँ पे बोल रहा है कि दो नल, ठीक है, दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.38 घंटे में भर सकते हैं। जब ये दो नल है, ठीक है, दोनों नल को जब एक साथ खोला जाता है तो 9.38 घंटे में दोनों पूरा भर देता है उसको, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम लेता है, तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में कितना समय लेगा, यही पूछ रहा है हम लोग से। तो आइए हम लोग इसका आंसर करते हैं। लिखेंगे यहाँ पे देखिए कि क्या बोल रहा है कि बड़ा नल जो है कि छोटे नल से 10 घंटा कम लेता है, तो हम लोग को छोटा नल मानना पड़ेगा कि छोटा नल, क्या लिखेंगे कि जब छोटा नल को मानना पड़ेगा उसके बाद ही हम लोग बड़े नल का निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे, एक बार हम बुक पढ़ लें, ठीक है, लिखेंगे कि छोटे नल को हौज भरने में लगा समय बराबर x किलोमीटर, x, ठीक है, x घंटा। तो लिखेंगे माना कि छोटे नल को हौज भरने में लगा समय बराबर कितना, x घंटा, ठीक है, छोटे नल को हौज भरने में कितना लगता है, x घंटा। तो लिखेंगे और बड़े नल को हौज भरने में लगा समय बराबर कितना हो जाएगा, जब छोटा जो है कि 20 घंटा में भरता है तो बड़े नल वही हौज को 10 घंटा में भरता है, मतलब 10 घंटा उससे कम लगता है, तो ये x घंटा में भर रहा है तो इससे 10 घंटा कम लेगा, तो x माइनस 10 घंटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि एक घंटे में दोनों का एक एक घंटा का हम लोग निकालेंगे कि एक घंटे में छोटा नल कितना हौज भरता है, कितना भाग भरता है, और बड़ा नल एक घंटा में कितना भाग भरता है। तो लिखेंगे कि छोटे नल द्वारा एक घंटा में हौज को भरा गया
भाग। छोटा नल एक घंटा में कितना हौज भरता है, उसको लिखेंगे कि एक बार एक्स घंटा, ठीक है, एक भाग एक्स बटे एक बटे एक्स भाग भरता है। तो यहाँ पे और लिखेंगे कि बड़े नल द्वारा एक घंटा में हौज को भरा गया भाग बराबर क्या लिखेंगे, एक बटे एक्स माइनस दस, ठीक है। और दोनों मिलाकर, दोनों जो है कि जब दोनों नल 9.3/8 घंटा में भरता है, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 8.9 75/8 घंटा, ठीक है, इतना घंटा में दोनों मिलाकर भरता है। तो लिखेंगे कि एक घंटा में दोनों मिलाकर भरा गया भाग, एक घंटा में कितना भरेगा, तो एक घंटा में कितना भर देगा, तो दोनों मिलाकर इतना भरता है, ठीक है। तो दोनों का एक घंटा का भाग क्या हो जाएगा, 1/75/8 बराबर हो जाएगा 8/75 घंटा। उसके बाद आइए हम लोग एक बार क्वेश्चन और पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग को क्लियर हो जाएगा कि करना क्या है। बोला गया है कि दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है, तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में कितना समय लेगा, कि अलग अलग दोनों को निकालना है कि बड़े व्यास कितना लेगा और छोटे व्यास कितना लेगा, आइए हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ सब कुछ क्लियर हो चुका है, दोनों मिलाकर इतने घंटे में भरता है, तो ये छोटा नल एक घंटा में लिखेंगे तो प्रश्न से, ठीक है, छोटा नल एक घंटा में कितना भरता है 1/x, बड़ा नल कितना भरता है x माइनस 10, दोनों मिलाकर कितना भरता है 8/75। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, आप सॉल्व कर लेंगे या नहीं तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है ना, उसके बाद आप लोग इसको तोड़ लेंगे, ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो 80 और कुछ में आएगा, ठीक है, इसको तोड़ लीजिएगा आप लोग, उसके बाद आप लोग x का मान निकल जाएगा, और x जब x का मान निकल जाएगा तो x में 10 घटा दीजिएगा, उसका छोटे बड़ा व्यास वाला नल निकल